चुनाचे एक वाक्य है, एक लड़की जैनब की शादी हुई और उसको सास ऐसी मिली कि अल्लाह की पनाह। छोटी छोटी बात पे तनकीद करने वाली, समझाने वाली, बताने वाली। मियां बीवी आपस में बहुत खुश थे, मगर सास हर वक्त कोई ना कोई मशवरा देती थी, कोई पॉइंट निकाल लेती थी जिससे इस बच्ची का दिल दुखता था, इसका दिल तंग होता था। चुनाचे एक साल इसने जब गुजारा तो इस नतीजे पर यह पहुंची कि इस सास की मौजूदगी में मेरी जिंदगी कभी खुश नहीं गुजर सकती। तो इसके दिल में एक नफरत आ गई, दुश्मनी आ गई, इनाद आ गया। ये एक आंख अपनी सास को नहीं देखना चाहती थी। इसका दिल चाहता था जमीन फटे और ये बूढ़ी औरत अंदर उतर जाए, मेरी जान छूट जाए इससे। एक दिन ये बीमार थी तो हकीम के पास गई दवाई लेने के लिए, तो वहां इसके दिल में शैतान ने ये बात डाली कि क्यों ना हकीम साहब से मैं कोई ऐसी दवाई ले लूं कि जिसकी वजह से मेरी सास मर ही जाए, मेरी जान छूट जाए। चुनाचे इसने रो धोकर हकीम को बताया, मैं बहुत दुखी हूं, मैं बहुत परेशान हूं, आप मेरी हेल्प करें, मुझे कोई दवाई ऐसी दें जो मैं सास को खिलाऊं और मेरी जान छूट जाए। हकीम समझदार था, उसने कहा बहुत अच्छा, मैं तुम्हें दवाई तो दे देता हूं, लेकिन एक बात जहन में रखना कि अगर ऐसी दवाई दी कि फौरी असर करे तो तुम्हारे नाम लग जाएगा, तुम्हारे ऊपर लोग शक करेंगे, तुम इसके कत्ल करने वाली बन जाओगी। उसने कहा हाँ बात तो ठीक है। तो हकीम ने कहा कि मैं एक ऐसी दवाई देता हूं कि जो स्लो पॉइजन है, उसमें एक साल लगेगा और एक साल में ये औरत अंदर से इतनी कमजोर हो जाएगी कि मर ही जाएगी। वो बहुत खुश हो गई कि अच्छा आप ऐसी दवाई मुझे दे दें। चुनाचे हकीम ने एक दवाई दे दी और कहा कि इसको वक्तन फक्तन खिलाती रहना और एक साल का अरसा है, तुम्हारी जान छूट जाएगी। अब दुल्हन समझती थी कि मेरा मसला हल हो गया, मगर हकीम साहब ने एक मशवरा और दिया कि देखो चूंकि ये काम आप खुद कर रही हो तो दुनिया आपको मुजरिम न समझे, इसलिए अब कोशिश करो कि इस बूढ़ी की खिदमत ज्यादा करो, इसके करीब हो जाओ, इसको अपना बनाने की कोशिश करो ताकि दुनिया वाले भी ये देखें कि तुम तो इसको बहुत अहमियत देती थी, खिदमत करती थी, अच्छा वक्त गुजारती थी, तो तुम्हारे ऊपर कोई शक भी नहीं करेगा। इसको ये बात भी अच्छी लगी, चुनाचे ये आई। अब इसने उसको अपनी सास को वो दवाई देनी शुरू कर दी, मगर एक तब्दीली ये आई कि इसने सास को अब जरा ज्यादा वक्त देना शुरू कर दिया, उनकी ख्याल रखती, उनकी बात मानती, उनका दिल खुश करने की कोशिश करती कि ताकि सास भी कहे कि इसने मुझे बहुत मोहब्बत दी और हामिद भी यही समझे कि मेरी बीवी ने तो इसकी खिदमत करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। वो अच्छा बनना चाहती थी ताकि कत्ल का इल्जाम उसके सर पर ना आए। एक साल उसने खूब मेहनत की और अपनी सास की खिदमत करके अपने खामिंद को भी खुश किया, सास को भी खुश किया। लेकिन जब एक साल गुजरने के करीब आया तो जब वो तन्हाई में बैठकर सोचती कि अब मेरी सास मर जाएगी, तो अब उसके दिल को खुशी की बजाय गम होता
क्योंकि अब करीब होने की वजह से उसको मोहब्बत डेवलप हो चुकी थी। चुनाचे एक साल के बाद वो रोती हुई फिर हकीम के पास आई और कहने लगी कि प्लीज आप मुझे इस जहर का कोई एंटीडोट दे दें, मैं नहीं चाहती कि मेरी सास मरे, वो इतनी मेरे साथ अच्छी हो गई है, मैं उसके साथ इतनी कंफर्टेबल फील करती हूं कि मैं नहीं चाहती कि वो फौत हो। जब उसने ये कहा तब हकीम साहब ने बताया कि बहुत अच्छा, मैंने उसको जहर नहीं दी थी, एक आम दवाई दे दी थी ताकि तुम्हारे दिल को तसल्ली रहे कि जहर दी जा रही है, लेकिन जो मैंने तुम्हें नसीहत की थी कि सास की खिदमत करो, वक्त दो, उसकी बात मानो, असल तो ये बुनियाद थी, पहले तुमने इन्वेस्टमेंट कोई नहीं की हुई थी, तुम्हें उसकी बात बुरी लगती थी, वो तुम्हें समझाती थी तुम्हारे फायदे की नीयत से और तुम्हें जहर चढ़ता था। अब जब तुमने अपने आप को समझा कर उसकी खिदमत करनी शुरू कर दी तो अब तुम्हारे दरमियान मोहब्बत पैदा हो गई, परेशान ना होना, तुम्हारी सास अभी नहीं मरेगी, अपनी तबाई जिंदगी गुजारेगी। अब इस लड़की के आंखों से फिर आंसू आ गए, ये गम के आंसू नहीं थे, ये खुशी के आंसू थे।